दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को तना टीम मानते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा पर सवाल उठने लगे, क्योंकि भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज आ रही है, क्योंकि भारतीय टीम अभी तक वनडे सीरीज या टी20 सीरीज हार्दिक पांड्या की कप्तानी कोई भी सीरीज नहीं आ रही है। इससे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा सवाल उठने लगे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी छीन लेनी चाहिए। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या कप्तान रोहित शर्मा से वनडे सीरीज की कप्तानी छीननी चाहिए या क्यों नहीं, क्योंकि भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा बहुत अच्छी कप्तान और अच्छी बैटिंग करते हैं, इसलिए फिर भी भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा सवाल उठने लगे हैं कि कप्तान रोहित शर्मा से कप्तानी छीन लेनी चाहिए। दोस्तों आप लोग की राय क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम वनडे सीरीज तो आ रही है, पर दोस्तों मैं आपको बता दें भारतीय टीम कप्तान पहले वनडे मैच में हार्दिक पांड्या आ रही है और भारतीय टीम पहले वनडे मैच में 5 विकेट की बढ़िया नजर से पहला वनडे मैच जीती और 1-0 से ऑस्ट्रेलिया से बढ़त बना ली थी। और दोस्तों दूसरे वनडे मैच में कप्तान रहे रोहित शर्मा, दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम बहुत बुरी तरह आ रही, 10 विकेट के अंदर से दूसरा वनडे मैच आ रही, जैसे देख भारतीय टीम खिलौली मच गई और रोहित कप्तान रोहित शर्मा पर तभी सवाल उठने लगे थे कि कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी छीननी चाहिए। पर दोस्तों बदकिस्मती से तीसरा वनडे मैच जो चेन्नई में धोनी के शहर में खेला गया वो भी भारतीय टीम बहुत बुरी तरह आ रही और जिसमें देख भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा पर सवाल उठने लगे हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी छीननी चाहिए, इनकी जगह हार्दिक पांड्या कप्तान बना चाहिए, हार्दिक पांड्या को परमानेंट कप्तान बना देना चाहिए। दोस्तों आप लोग क्या चाहते हो, हार्दिक पांड्या कप्तान बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा दुनिया के ऐसे कप्तान हैं जो 2 बार दोहरा शतक ला चुके हैं वनडे में, फिर भी भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा के आगे भारतीय टीम दूसरी वनडे सीरीज हार गई है ऑस्ट्रेलिया से, जो अपने ही देश में ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज आ रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय टीम के भारतीय टीम से वनडे सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत की धरती पर आई थी और भारतीय टीम से टेस्ट सीरीज आ रही उसका बदला लेते हुए ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज भारत को हरा दी है, जैसे देख भारतीय टीम बहुत ही दुखों के पार फूटा है और भारतीय टीम वनडे सीरीज आ रही है। दोस्तों जैसे देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कप्तान रोहित शर्मा के सवाल कप्तान को खा देना चाहिए, इनकी जगह परमानेंट कप्तान हार्दिक पांड्या बनाना चाहिए। दोस्तों आप लोग क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।